जब नटवरलाल ने राष्ट्रपति भवन, लाल किला, ताजमहल और संसद को बेच डाला। नई दिल्ली। कुछ लोग इतिहास बनाते हैं और कुछ इतिहास बन जाते हैं। तारीखी दौर में उनके किस्से अक्सर दोहराए जाते हैं, कभी नाम से तो कभी कारनामे से। उन्हीं में से एक शख्स है मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ नटवरलाल। यह नाम ठगी की दुनिया में अजर अमर हो गया। इस नाम के मुहावरे, कहावतें आज भी लोगों की जुबान पर गाहे बगाहे आते हैं। जी हाँ, यह नाम ही नहीं, उस शख्स की पहचान है जिसने राष्ट्रपति के फर्जी हस्ताक्षर करके एक बार राष्ट्रपति भवन, दो बार लाल किला और तीन बार ताजमहल को ही बेच डाला। यहाँ तक कि संसद को भी ऐसे समय बेच दिया जब सारे सांसद वहीं मौजूद थे। नटवरलाल के रोचक कारनामों से रूबरू करा रहे हैं विशाल आनंद शर्मा। 1000 की चेरी से शुरुआत। दिल्ली पुलिस की फाइल में मिथिलेश कुमार के 50 से भी ज्यादा नाम है। उन नामे में से एक था नटवरलाल। मिथिलेश कुमार का जन्म 1912 में बिहार के सीवान जिले में हुआ था। बचपन का नाम मिथिलेश कुमार। उसने सबसे पहली चोरी उस दौर में 1000 रुपये की थी। अपने पड़ोसी के नकली हस्ताक्षर कर बैंक से पैसे निकाले थे। नटवरलाल का हुनर ऐसा था कि वह एक ही नजर में किसी के भी हस्ताक्षर कर लेता था। राजीव गांधी का नाम ले झटकी 93 घड़ी। बात अगस्त 1987 की है। कनॉट प्लेस में घड़ी का बड़ा शोरूम। सफेद कमीज और पैंट पहने मिथिलेश कुमार अम्बेसडर कार से पहुंचा। खुद का परिचय वित्त मंत्री नारायण दत्त तिवारी का पर्सनल स्टाफ डीएन तिवारी के तौर पर दिया। कहा कि पीएम राजीव गांधी के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों को समर्थन के लिए दिल्ली बुलाया है। इस बैठक में शामिल होने वाले सभी लोगों को वे घड़ी भेंट करना चाहते हैं। 93 घड़ी चाहिए। बात फाइनल हुई। यूं दिया अंजाम। अगले दिन शोरूम मालिक को घड़ी पैक करने की बात कहे एक स्टाफ को अपने साथ नॉर्थ ब्लॉक ले गया। वहां उसने स्टाफ को भुगतान के तौर पर 32,829 रुपये का बैंक ड्राफ्ट दे दिया। दो दिन बाद जब शोरूम मालिक ने ड्राफ्ट जमा किया तो बैंक वालों ने बताया कि ड्राफ्ट फर्जी है। ऐसे दर्जनों कारनामे देश भर की सुर्खियां बन चुके थे। नटवरलाल के निर्माता निर्देशक से वसूले 3 लाख। उन्हें जब पता चला कि अमिताभ बच्चन के अभिनय वाली फिल्म नटवरलाल उनके नाम पर बन रही है तो फिल्म के निर्माता निर्देशक के खिलाफ कोर्ट में केस दायर कर दिया। काफी मिन्नतों के बाद नटवरलाल ने निर्माता निर्देशक के समझाने पर 3 लाख रुपये लेकर मुकदमा वापस ले लिया। इस फिल्म से उसकी खूब शोहरत बढ़ी। विदेशियों को बेच डाला लाल किला, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन। नटवरलाल ने बड़ा सरकारी अफसर बनकर विदेशियों को 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला, 1 बार राष्ट्रपति भवन और 1 बार संसद भवन तक बेच दिया था। संसद भवन को बेचने के लिए तो जरूरी दस्तावेजों पर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के नकली हस्ताक्षर तक कर दिए और विदेशियों से रकम ऐंठ ली। कहते हैं एक बार पड़ोस के गाँव में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए हुए थे। नटवरलाल को उनसे मिलने का मौका मिला। नटवरलाल ने उनके सामने भी अपने हुनर का प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के भी हूबहू हस्ताक्षर करके सबको हैरान कर दिया। नटवरलाल ने राष्ट्रपति से कहा कि यदि आप एक बार कहें तो मैं भारत पर विदेशियों का पूरा कर्ज चुका सकता हूं और वापस कर उन्हें भारत का कर्जदार बना सकता हूं। जब पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से भागा। जून 1996 को पुलिस नटवरलाल को अदालत के आदेश पर कानपुर जेल से दिल्ली के एम्स में इलाज के लिए लेकर आए। अस्पताल में दिखाने के बाद जब कानपुर पुलिस की एक टीम मिथिलेश को वापस ले जाने के लिए पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची तो नटवरलाल जोर जोर से हौंफने लगा। एक हवलदार से बीमारी का बहाना बना, उसे दवाई लाने को कहा, दूसरे को पानी लेने भेजा और तीसरे को टॉयलेट का बहाना बनाकर बाथरूम के ऊपर से भाग गया। उस वक्त उसकी उम्र 84 साल थी। इसके बाद से वह किसी को नहीं दिखा। 2009 में जब नटवरलाल के वकील ने उसके खिलाफ दायर 100 मामलों को हटाने की याचिका दायर की तो नटवरलाल के भाई गंगाराम ने यह हलफनामा दिया कि उसकी मौत करीब 13 साल पहले 1996 में ही हो गई थी। नटवरलाल का नाम अब एक मुहावरा बन चुका है जो हर जालसाज को तमगे के रूप में दिया जाता है। उसके खिलाफ 8 राज्यों में 100 से अधिक दर्ज मामलों में हुए फैसलों के मुताबिक 113 साल की सजा हो चुकी है।